हाँ तो दोस्तों, आज की कहानी और मंजिल कुछ अलग है। आज जहाँ पर हम व्लॉग करने वाले हैं, व्लॉग नहीं बच्चा, ट्रैवल डायरी। ट्रैवल डायरी, जरा याद करो क्या सोचा था तुमने। यार इस बार वीडियो में कुछ नया करना है यार, लेकिन क्या करें। ट्रैवल डायरी बनाए क्या, क्योंकि व्लॉग तो मैं हर बार डाल ही रहा हूँ। ट्रैवल डायरी डालूंगा तो हमारी ऑडियंस के लिए भी कुछ नया रहेगा। ये आइडिया ठीक रहेगा, ट्रैवल डायरी बनाते हैं इस बार। ओके, तो आज होने वाला है ट्रैवल डायरी एपिसोड 2। तो आज जहाँ पर हम जाने वाले हैं वो एक एशियन साइट है रोपड़ में। यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 1 घंटे का राइड। मतलब इतना लंबा राइड करके हम जहाँ पर जाने वाले हैं वहाँ पर ऐसा क्या है मैं बताता हूँ आपको। शहर के बीच में एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक मोन्यूमेंट है और बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है एशियन साइट रोपड़। बस और कुछ नहीं है वहाँ पर। तो मतलब क्या सिर्फ उस मॉन्यूमेंट के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए हम लोग इतना दूर जा रहे हैं? नहीं यार, आई एम डेफिनेटली श्योर सिर्फ ये वजह तो नहीं हो सकती इतना दूर जाने की। ज़रूर कुछ ना कुछ इस सफ़र में छुपा हुआ है जो हमें अभी तक मालूम। तो चलो देखते हैं। जब कभी हम अपने शहर के बाहर सफर करते हैं तो हर सफर की सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या होती है? ये साइन बोर्ड्स, ये अलग अलग रोड्स, ये अलग अलग लोग, अलग अलग ट्रैफिक। हर जगह की अपनी एक वाइब्स होती है, अपनी एक फीलिंग, और ये सब चीजें मुकाम के साथ ही साथ बदलती रहती हैं। और हर सफर में यही एक चीज होती है जो मुझे हर सफर करने के लिए लुभाती है, जो मुझे हर सफर करने के लिए बुलाती है। और यहां पर पहुंच के सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या लगी? किसी पहाड़ी पे खड़े होके पूरे शहर को देखना, उसकी एक अलग ही फीलिंग है, एक अलग ही मजा। उस जगह की अपनी एक वाइब्स है, वहां की हवा में अलग ही पॉजिटिविटी है। और ये सब एक फीलिंग है जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो आप यहां पर आओ और इस फीलिंग को खुद महसूस करो।